क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 6 की थ्योरम 6.4 है हमारे सामने, जिसमें स्टेटमेंट दी गई है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को काटती है, तो जो इंटीरियर एंगल होंगे ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम जो है वो सप्लीमेंट्री, या फिर कहीं वो एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे। यानी कि जो एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स सेम साइड हैं ट्रांसवर्सल लाइन के, यानी कि को इंटीरियर एंगल, उनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उसे कहा जाता है सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। उसके बाद एक लाइन बनाएंगे पी क्यू, जो कि इन दोनों को ए बी को आर पर काटती है और सी डी को एस पर काटती है। ठीक है, सो जो भी हमने ये फिगर बनाया उसे गिवन में लिख लेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट आर एंड एस। ठीक है, आर और एस पर पी क्यू इसे काटती है ए बी और सी डी को। आगे हमें प्रूव क्या करना है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल कौन कौन से है, एक ही साइड में, तो है ए आर एस और सी एस आर, ये दोनों एक साइड में बनने वाले एंगल्स हैं। ठीक है, तो इनको ये दो एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री प्रूव करने हैं, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री प्रूव करना है हमें। तो टू प्रूव में लिखेंगे ए आर एस प्लस में सी एस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ए आर एस ये ग्रीन वाला और सी एस आर जो है ये ऑरेंज वाला एंगल। ठीक है, सीधा आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे, जो ए आर एस है और सी एस क्यू है, ठीक है, ये वाला ये ग्रीन वाला एंगल और ये वाला सी एस क्यू, ये वाला एंगल जो बनाया मैंने अभी, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, करस्पोंडिंग एंगल्स, और करस्पोंडिंग एंगल पैरेलल लाइन पर क्या होते हैं, इक्वल। तो मैं लिखूंगा ए आर एस इक्वल्स टू सी एस क्यू, तो एंगल ए आर एस इक्वल्स टू एंगल सी एस क्यू। रीजन लिख देंगे इसका सामने, रीजन हो जाएगा इनका करस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, अब आते हैं इसे इसी पर, जो हमारा है ये सी एस आर ये वाला एंगल और सी एस क्यू, एंगल सी एस आर प्लस में एंगल सी एस क्यू। अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें, सी एस जो हमारा ये एंगल है, सी एस आर और सी एस क्यू, इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो ये क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, एक लाइन के एक ही साइड में है और एक लाइन के एक ही वर्टेक्स में। ठीक है, तो दो एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर। तो इसके सामने लिख देंगे रीजन, सॉरी लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इक्वल्स टू में 180 लिखेंगे। ठीक है, एक सीधी लाइन पर जो लीनियर पेयर बनाते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, इसका रीजन लिख देंगे यहां पर सामने, रीजन हो गया लीनियर पेयर। ठीक है, अब जो हमारा ए आर एस है वो किसके इक्वल है, सी एस क्यू के। तो मैं सी एस क्यू, ये जो सी एस क्यू है इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए आर एस। ठीक है, तो इसकी जगह मैं पुट कर देता हूं ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा एंगल सी एस आर प्लस में एंगल ए आर एस इक्वल्स टू में 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कि एंगल ए आर एस और सी एस आर का सम जो है वो 180 डिग्री है। तो ये आ गया ए आर एस में, अगर हम सी आर एस इन दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे तो ये आ जाता है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।